नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अतिरिक्त श्रम आयुक्त जयपुर पतंजलि वू ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में फर्जी निर्माण श्रमिकों को सरकारी की योजनाओं का लाभ किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की ओर से पूर्व में प्राप्त विभिन्न श्रेणी के आवेदनों का वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन में पात्र पाए जाने वाले वास्तविक निर्माण श्रमिकों को शीघ्र ही लाभान्वित किया जाएगा। वू गुरुवार को जयपुर से ब्यावर स्थित श्रम कल्याण कार्यालय के निरीक्षण के तहत यहाँ पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने कार्यालय के कामकाज की समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली। साथ ही सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अब तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यालय की ओर से किए गए कार्य की जानकारी ली। कार्यालय निरीक्षण के दौरान पतंजलि वू ने उपस्थित कर्मचारियों से कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले। इस काम हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि श्रमिकों की ओर से प्राप्त आवेदनों को अपने स्तर की कार्यवाही से पूर्ण कर उनका इंद्राज ऑनलाइन कर दे ताकि वेरिफिकेशन कार्यवाही कर उनका निस्तारण करते हुए संबंधित श्रमिकों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने श्रम कल्याण अधिकारी एसके यादव के साथ कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्हें भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर अतिरिक्त श्रम आयुक्त के ब्यावर पहुंचने पर शहर के विभिन्न श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत लंबे समय से श्रमिकों के शुभ शक्ति विवाह सहायता सहित अन्य योजनाओं के आवेदन अटके हुए हैं, जिसके कारण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त वू ने बताया कि आवेदकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन में पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को शीघ्र ही योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में भारतीय बिल्डिंग पैंटर्न मजदूर संघ के कामरेड जगदीश प्रसाद, पूनम सिंह चौहान, राजू तिलकधारी, भारतीय राजस्थान ग्रामीण खेतीहर मजदूर संघ नारायण सिंह, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के देवेंद्र जटिया, सूरजमल मेघवंशी तथा जितेंद्र कुमावत तथा ब्यावर एंटी करप्शन हेल्पलाइन के गजराज आचार्य आदि शामिल थे। समस्या ये थी कि इनके आवेदन अभी तक इनको स्वीकृत नहीं हुए हैं। उस पर इनको मैंने जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा करी थी, उसमें पूरे स्टेट राजस्थान में सबका वेरिफिकेशन चल रहा है और उस वेरिफिकेशन में जो पात्र निर्माण श्रमिक होंगे और उनके आवेदन लगे होंगे तो उनको अवश्य पैसा मिलेगा और उसका लाभ मिलेगा। इससे मैंने उनको अवगत कराया है। और जो फर्जी निर्माण श्रमिक हैं जो कि पात्र नहीं हैं, उनके आवेदन पूरे नहीं हैं, उनको किसी स्थिति में पैसा नहीं मिलेगा या उसका लाभ नहीं मिलेगा, इससे मैंने उनको अवगत कराया। बताएं, आपने आप श्रम आयुक्त से बातचीत की है और उनसे अपनी समस्याएं भी रखी है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है और अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमने यहाँ पर शहर के जो श्रमिक वर्ग है, गरीब मजदूर वर्ग है, उनकी विभिन्न समस्याओं को सरकार के समक्ष लाने के लिए आज मांग पत्र दिया। उसमें कुछ पेंडिंग जो कार्य चल रहे हैं, अपडेशन के कार्य हैं, छात्रवृत्ति के कार्य हैं, शुभ शक्ति योजना में जो बेटियों की शादी के बाद में जो पैसा मिलता है उसकी जो पेंडेंसी चल रही है उसको हमने सरकार के समक्ष रखा है। सरकार के समक्ष रखा है तो उस दोनों जो अधिकारी आए हुए हैं, जयपुर से और जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने हमें अवगत कराया कि हमने अपडेट जो करने हैं कार्यक्रम वो हम लगे हुए हैं और तुरंत प्रभाव से हम आगे भेजेंगे और वो जितने भी कमेटियाँ बना रखी है तो सत्यापन के बाद में वो चीज़ें निकल के आएगी और उनको वाजिब और पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। जो हमारे करीबन 4-5 साल से जो आवेदन अटके हुए हैं, जो आवेदन थे शुभ शक्ति के और युवा सहायता योजना के, मृत्यु के, छात्रवृत्ति के नए जो पंजीकृत करने थे, तो वो आवेदन जो अटके हुए थे तो अतिरिक्त जो आयुक्त आए थे जयपुर से तो उनको हम इनको ज्ञापन भी दिया और इनको कहा भी। इसके साथ में ये भी कहा कि जो पात्रता रखते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, जो अपात्रता रखते हैं, जो मतलब उनके कुछ वो बना चुके हैं डायरिया वगैरह जो बना चुके हैं तो उनको जो लाभ मिल रहा है और जो दलालों के थ्रू जो मिल रहा है इस पे रोक लगनी चाहिए और पात्रता रखने वाले को लाभ मिलना चाहिए।
चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहना ये हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड, नियर मिशन ग्राउंड, ब्यावर। शर्त लागू। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहना ये हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड, नियर मिशन ग्राउंड, ब्यावर। शर्त लागू।